डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के यूथ ने बुलवाई थी। ये जो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कीरू है, क्वाड़ है, रेटली प्रोजेक्ट है, पक्कल डूल है, बुरसर प्रोजेक्ट है, इनमें यहाँ के लोकल यूथ्स को टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जैसा कि देखने में आया हुआ है, सुनने में आया हुआ है, और कंप्लेंट्स आर पोरिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स दैट सम पीपल बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पार्टी आर बीइंग एंगेज इन दीज प्रोजेक्ट्स। किसी के किथ एंड किन्स, किसी के रिश्तेदार, उनको अपॉइंट किया जा रहा है और आम आदमी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी डाक बंगला किश्तवाड़ में, मगर अफसोस की बात कहनी पड़ रही है, द एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ डिडेंट अलाउड द यूथ टू होल्ड मीटिंग इन डाक बंगलो किश्तवाड़। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी वर फोर्स टू होल्ड अवर मीटिंग इन परेड ग्राउंड किश्तवाड़। हम चाहते हैं कि यहाँ का कामन, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए प्रोजेक्ट में, ना कि उन पर्टिकुलर पार्टी के लीडरों के रिश्तेदारों को या उनके क्या कहते हैं जो उनके खैर खुआ हैं। काम भी उन्हीं को मिल रहे हैं, नौकरियां भी उन्हीं के रिश्तेदारों को मिल रही हैं, आम आदमी यहां पर, आम अनएम्प्लॉयड यूथ यहां किश्तवाड़ का पिसा जा रहा है। और यहां पर इवन जो लेबर काम के लिए जाता है उससे भी पूछा जाता है कि आप रिकमेंडेशन लेटर लाओ यहां के पर्टिकुलर पार्टी के लीडर से। शर्म की बात है, हमने डलस्ती प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं देखा, हमने बगलियार प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं देखा, जहां पर 15,000 यूथ एडजस्ट हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी रही। लेकिन इन प्रोजेक्टों में अपना ये क्या कहते हैं पक्कल डूल रहा, अपना कीरू प्रोजेक्ट रहा, अपना ये क्या कहते हैं क्वाड़ प्रोजेक्ट रहा, अपना CVPP रहा, इनमें हमने ये देखा कि यहाँ पर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की ही चलती है और उसी की रिकमेंडेशन पर यहाँ पर अपॉइंटमेंटें हो रही हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, एंड वी विल नॉट अलाउ दिस एक्ट। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आम जो यहाँ पर गरीब तबका है, जो यहाँ पर आम क्या कहते हैं यूथ है, ट्रेडमैन है, चाहे वो काम जानता है या नहीं जानता है, इंजीनियर्स हैं, अरे भाई काम दोगे तो तभी तो सीखेंगे, जब आप उनको लगाओगे नहीं तो सीखेंगे कहां से, जब उनको लगाओगे आप तभी तो सीखेंगे। जैसे डलस्ती प्रोजेक्ट में जयप्रकाश इंडस्ट्रीज ने इंजीनियर्स लगाए थे, बगलियार में इंजीनियर्स लगाए थे, आज की डेट में वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है, 4-4 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। काम देंगे तो एक्सपीरियंस होगा, काम नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहां से होगा। और हम यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ ये ऐसा खेल मत खेलिए। हम यहाँ के पीसफुल शहरी हैं, पीसफुल यूथ हैं, एजुकेटेड यूथ हैं, और हम पीसफुली चाहते हैं, हम आपको भी कोऑपरेट करेंगे, हम कोई हल्ला या क्या हंगामा मचाना नहीं चाहते हैं, हम पीसफुली आपको भी कोऑपरेट करेंगे, पीसफुली हम कंपनी वालों को भी कोऑपरेट करेंगे, बशर्ते सब्जेक्ट टू दैट दे शुड अपॉइंट आवर यूथ इन दीज प्रोजेक्ट्स, फेलिंग विच वी शैल बी फोर्स टू टेक एनी अनवारंटेड एक्शन अगेंस्ट दीज कंपनीज मैनेजमेंट्स। जमींदार हैं यहां पर जिनकी जमीनें गई हैं, अरे जिनकी जमीनें गई हैं उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हो आप, नौकरी दे रहे हो बाहर के लोगों को, अभी जिनकी जमीनें गई हैं, मकान गए हैं, अभी तक उनको पूरा पैसा भी नहीं मिला है, और आपने क्या कहते हैं जमीन ऑक्यूपाई करके आपने काम स्टार्ट कर दिया है, उनको घर से
बेघर कर दिया है लोगों को और नौकरियां भी नहीं है उनको, दर दर है, खजल है। और मैं ये वादा कर देना चाहता हूँ यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, खुदारा मत कीजिए हमें परेशान, हम ऐसा ना हो कि हम और कोई रास्ता इख्तियार करें जिससे बाद में आपको बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम आप तंग आ चुके हैं। यहाँ के पॉलिटिकल लीडर से भी मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट ऑफ वी पीपल। वी आर प्रोटेस्टिंग फॉर आवर राइट्स, वी आर डिमांडिंग जॉब्स, वी आर नॉट डिमांडिंग एल्सवेयर। हम चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा जो है, जो भी 18 साल से ऊपर है, बेरोजगार है, मजदूरी नहीं है, यहाँ के लोगों को मजदूरी नहीं है, और बात कर रहे हैं कि नहीं जी हमने प्रोजेक्ट लाए, खाक लाए प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्टों में अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर रहे हो, अपने चमचों को ठेकेदारी दिला रहे हो, और इन एक्सपीरियंस कॉन्ट्रेक्टर हैं जितने भी यहाँ पर लगाए गए हैं, इन एक्सपीरियंस कॉन्ट्रेक्टर अफगान कंपनी जो है एक इन एक्सपीरियंस कॉन्ट्रेक्टर है जिसने जेपी का एक्सपीरियंस लगाकर वो काम कर रही है। कौन से उनने क्या कहते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए यहाँ पर, क्या कहते हैं कहीं पर भी पूरे इंडिया में कोई इंजीनियर नहीं उन्होंने लगाया अभी तक, कोई लोकल इंजीनियर नहीं लगाया उन्होंने, कोई उन्होंने कहते हैं एचआर में कोई बंदा नहीं लगाया उन्होंने, अपनी चला रहे हैं, जो लगाए बस जी जो लगेंगे वो क्या कहते हैं यहाँ के पोलिटिकल पार्टी का कोई लीडर है, पर्टिकुलर पार्टी का लीडर है उसकी जी चिट्ठी चाहे तो फिर लगाएंगे। कंपनी की मैनेजमेंट बोलती है चिट्ठी लाओ जी फिर लगाएंगे हम, अब जिनकी पहुंच नहीं वो कहां जाएंगे, अब कहां कहां पीछे 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 फिराएंगे वो, क्या कहते हैं लीडर उनको 2 महीना अपना काम निकालेंगे क्योंकि उनके पास भी। अब आने वाले वक्त में मैं अपोजिशन लीडर से भी पूछना चाहता हूं, कौन देगा तुम लोगों को वोट, तुम घर में बैठकर तुम वहां वोट गिन रहे हो कि नहीं जी वहां एरिया से इतना वोट आएगा, उस एरिया से वोट आएगा, खाक वोट मिलेंगे आप लोगों को, आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे इन प्रोजेक्टों में, लड़कों को एब्जॉर्व नहीं कर रहे हो तो कौन वोट देगा तुम लोगों को। यहां पर एब्जॉर्व वही हो रहे हैं जिनको पर्टिकुलर पार्टी की रिकमेंडेशन होगी। इसलिए मैं तमाम जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं किश्तवाड़ के, चाहे वो स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, इंजीनियर्स हैं, किसी भी ट्रेड से ताल्लुक रखते हैं, वो आए ताना वो क्या कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले, हम उनके लिए फाइट करेंगे। ऐसा चलता रहा तो हम अगर यही क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमें तंग करती रही तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम सड़कों पर उतरेंगे और अपनी हम जानते हैं फिर अपनी मांगे कैसे क्या कहते हैं हल्क, चाहे जितने FIR लगाने हैं आप लोगों ने, जितने सेक्शन हैं, जितने कानून में लिखे हैं उतने लगाओ मुझ पर, मैं परहेज नहीं करूंगा, लेकिन हमारे साथ जो गंदा खेल खेला जा रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद।